भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ब्यूरोक्रेसी को लेकर विवादास्पद बयान दे रही है। उनका कहना है कि मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है, यह कौम तो हमारी चप्पलें उठाने वाली होती है। ब्यूरोक्रेसी नेताओं को घुमाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की CM और केंद्र में मंत्री रही हूँ। ब्यूरोक्रेट वही फाइल लेकर आते हैं जो उन्हें बता दिया जाता है कि इसे क्या करना है, कैसे करना है। इस दौरान उन्होंने कहा, ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम उन्हें प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। असली बात है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। कितनी संख्या है, लेकिन साथ में ये भी हो जाएगा कि फिर टिकट हमारा हो तो हमारा नहीं हो, इस सबसे मुक्ति पाने का उपाय एक ही है जो मैं सुन कर रही, जो कर्नाटक में प्रयोग हुआ लिंगायत समाज का। शरद यादव मेरी बात का समर्थन करते हैं, मूल कि जिसमें सब लोग शिवलिंग की उपासना करने लगे और रोटी बेटी करने लगे, उसका परिणाम ये निकला कि सब OBC कहलाए, बस और कुछ नहीं कहलाए। हमने अपने नाम के आगे OBC लाना चालू कर दिया, उनके बिना दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। हम लोग भी जातिगत गणना हो जाएगी, दबाव बन जाएगा तो हो जानी है, सामने आ जाएगी बात, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलना है। उमा भारती ने आगे कहा कि आरक्षण से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। सरकारों ने जमीन तक प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी है, अब आरक्षण के लिए प्राइवेट सेक्टर पर दबाव बनाओ। आरक्षण में है क्या, धरा क्या है? जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? नहीं, सही बात, आप सारा तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया है, सारी जमीनें प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी हो गई है, आपको बचा क्या है? आप प्लानिंग से, हाँ, आपको तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। आप आरक्षण की बात जो इन सब लोगों ने की, प्राइवेट सेक्टर हाँ, और 33% आरक्षण पॉलिटिकल आ जाना है इसी धोखे में, और महिलाओं को नहीं मिल पाना, फिर देखना तुम लाइन में लगे रहोगे पूरे टाइम। पार्लियामेंट में 33% सीटें भी गई। ब्यूरोक्रेसी नेताओं को घुमाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की CM और केंद्र में मंत्री रही हूँ। ब्यूरोक्रेट वही फाइल लेकर आते हैं जो उन्हें बता दिया जाता है कि इसे क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है, चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता है, मेरे से वो LD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोच रहे इतने डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, फाइल आती है, बीजेपी का मैटर है, सही बात, ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं। असली बात है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं।